आज हम मेरे मरीज की एक कहानी से ये देखेंगे कि कैसे यदि फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से बलगम में रक्त का रिजर्व हो, खून का रिजर्व हो, तो उसका इलाज एक आधुनिक एंजियोग्राफी के प्रोसीजर द्वारा किया जा सकता है बिना किसी चीरफाड़ के और मिनिमल रिस्क से। एक हफ्ता पहले मेरे पास चेस्ट फिजिशियन ने एक 45 साल की महिला को भेजा। वो महिला को पिछले 7 दिन से बलगम में थोड़ा थोड़ा खून का रिजर्व हो रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो खून का रिजर्व इतना बढ़ गया कि दिन में 2 बार कम से कम उनको आधा कटोरी ब्लड निकल रहा था बलगम के रूप में। ये देखकर वो बहुत भयभीत हो गई और तुरंत हॉस्पिटल आके एडमिट हुई चेस्ट फिजिशियन के अंडर। उन्होंने जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो शुरू कर दिया जो ज़रूरी था उस खून को रोकने के लिए। खून की मात्रा थोड़ी कम तो हुई पर कंटिन्यूसली खून आ ही रहा था बलगम में। फाइनली उन्होंने मुझे एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया ये केस में अपने एक्सपर्टीज से मैनेजमेंट करने के लिए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेने पर ये पता चला कि 7 साल पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि फेफड़ों का टीबी हुआ था। जब मैंने उनके एक्सरेज और सीटी स्कैन्स रिव्यू किए तो मैंने पाया कि उनका टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन तो फेफड़ों में से पूरी तरह ख़त्म हो चुका है सही टाइम पर दवाई लेने की वजह से, लेकिन वो पुराने टीबी इन्फेक्शन ने कुछ ऐसे घाव या स्कार्स छोड़ दिए हैं जिसे मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रोब्रोंकियेक्टेसिस कहते हैं, जिसके वजह से फेफड़े की कुछ डेलिकेट नसें डैमेज हो चुकी है और कंटिन्यूसली रक्त छोड़ रही है एयर की पाइप में जो बलगम के रूप में बाहर आ रहा है। दोस्तों, बाकी शरीर की तरह फेफड़े में रक्त का रिजर्व बहुत माइल्ड नहीं होता है। अगर वो रिजर्व ज़्यादा मात्रा में है तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है बिना ज़्यादा ब्लड लॉस के भी, क्योंकि एयर की पाइप चोक कर सकता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो उनकी ब्लीडिंग का कारण समझने के बाद मैंने तुरंत एक सीटी एंजियोग्राफी ऑर्डर किया ताकि मैं देख पाऊँ कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, फेफड़ों की सबसे ज़रूरी मोटी नसों से यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज, या फिर बैकअप छोटी छोटी नसों से जिन्हें ब्रोंकियल आर्टरीज कहते हैं, पर ये बहुत डेलिकेट होती है और 95% केसेस में यही कारण होती है ब्लीडिंग का। सीटी एंजियोग्राफी करके मुझे पता चला कि ये ब्लीडिंग ब्रोंकियल आर्टरीज से हो रही थी, यानी कि ऐसी नसें जो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा खून तो नहीं सप्लाई करती पर इस तरीके के इन्फेक्शन या घाव की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो सकता है उनमें से। सर्जरी द्वारा इन छोटी पतली नसों को अप्रोच नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही सुपर मेजर सर्जरी होगी और इन तक पहुँचना नामुमकिन है, और पुराने ज़माने में इस बीमारी के लिए कभी कभी फेफड़ा भी निकालना पड़ता था यानी कि न्यूमोनेक्टॉमी, लंग को ही ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाए। पर दोस्तों, आज इसके लिए एक बहुत ही आधुनिक इलाज आ चुका है जिसे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक छोटी सी ताल द्वारा एक्सरे में देखते हुए इन नसों में पहुंच जाता है, इनकी एंजियोग्राफी करके जब वो कंफर्म कर लेता है कि ये नसों में से रिजर्व हो रहा है, उनको वो पार्टिकल्स द्वारा बंद कर देता है। इस प्रोसीजर को एम्बोलाइजेशन कहते हैं और क्योंकि ब्रोंकियल आर्टरीज या इन नसों को बंद कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन बुलाया जाता है। ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, 1 से 2 घंटे के अंदर सारी खून की रिसती हुई नसों को बंद किया जा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। सो उस महिला का हमने ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पूरी तरह रक्त का रिजर्व रुक गया और हम उन्हें अगले ही दिन डिस्चार्ज कर पाए। तो यदि आप किसी को जानते हैं जिसको इन्फेक्शन या कोई और कारण की वजह से बलगम में खून का रिजर्व हो रहा है और आपको मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जरी के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्लीज़ अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को अप्रोच करें ताकि वो एक सिंपल ऑपरेशन द्वारा एंजियोग्राफी से इस रक्त के रिजर्व को रोक दे और आप सुरक्षित घर जा सकें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।